ये धम्मा अनाकुल विपश्यना सेंटर में है, 47 पूजनीय विपश्यन का सहभागी हुआ है। और इसके सामने आचार्य, ये आचार्य निवास और ये दो नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल। आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ये तेलहरा के धम्मा अनाकुल ये विपश्यना सेंटर। स्पेशली हम यहाँ ये 7 दिवसीय सतिपट्ठान विपश्यना कोर्स में आए हैं और आज में मैत्री दिवस तथा समापन दिन। और ये स्पेशल ये सतिपट्ठान विपश्यना कोर्स पूजनीय भिक्षु संघ का था और पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ 47 पूजनीय भिक्षु संघ का सहभागी हुआ है। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र चांडक इस सेंटर से 25 सालों में जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में सेंटर जो सामने चार झुग्गियाँ दिखाई दे रही है उसमें शुरू हुआ था। अच्छा, टाट की झुग्गियाँ बनाई थी उसी में शुरू हुआ था और उसके पहले जिप्सी कैंप रखते थे। फिर वो शुरू हुआ और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। तो 20-25 साल में जो आपके सामने हैं, धमाल भी है, नया किचन बन गया, डाइनिंग बन गया, 100 कमरे हो गए और 104 शून्यागार बन गए। शून्यागार का काम चल रहा है अभी के भिक्षु संघ ने। अस्थाई सिर्फ दरवाज़ा नहीं लगाया सेल्स को, बाकी सब आपको पर्दा लगा के व्यवस्था कर दिया था, वो हो गया। और इसमें ऑनलाइन में जो तेलहरा सेंटर है उसका नाम अकोला करके आता है। अच्छा, तो अकोला में आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर के। अकोला से 50 किलोमीटर दूर है ये और सर एक्सप्रेस बस को भी स्टॉप है यहाँ पे सेंटर। तो इस सेंटर का नाम है खापरखेड़ा। अच्छा, हाँ, तो खापरखेड़ा है। तो आपको अकोला से आना है तो तेलहरा बस में बैठिए और खापरखेड़ा स्टॉप पे उतार देगी। एक्सप्रेस रहो, ऑर्डिनरी हो, दोनों बस को स्टॉप मंजूर करा लिया है यहाँ पे। और सब तरह की सुविधा है, चाहे भिक्षुओं के लिए हो चाहे उपासकों के लिए हो, सभी के लिए बहुत सुंदर सुविधा है। और आप वेजिटेशन तो देख ही रहे, पेड़ पौधे ये वो सब। और यहाँ जो लोग हैं ट्रस्टी है वो बहुत तन मन धन से सेवा देते हैं और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का, उसका आपने अनुभव लिया भी होगा। ये कब से ये सेंटर शुरू हुआ? ये हुआ है 2001 से। और शिविर भी तब से ही चल रहा है। अच्छा, तो पहले तो बहुत ही छोटा था, 10-12 लोगों का होता था। आज 100 लोगों तक की कैपेसिटी है सेंटर की, पर शून्यागार नहीं थे। अच्छा, अभी ये शून्यागार का निर्माण का काम चल रहा है, 7-2 साल में फुल फ्लेश शून्यागार भी अच्छा हो जाएंगे। अभी आज के समय में यहाँ को क्या क्या शिविर शुरू है? यहाँ पर 10 दिवसीय सतिपट्ठान और विशेष 10 दिवसीय माने स्पेशल 10 दिवस इतने शिविर होते हैं। तो शायद हो सकता है कि शून्यागार फुल फ्लेश चालू हो जाए तो लॉन्ग कोर्सेज भी लगेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, स्पेशली ये रूम हो गया। हम जो 7 दिन का ये सतिपट्ठान शिविर रहे तो यहीं पर हम रुके। ये स्पेशली मेल का है और उधर फीमेल का है। तो यहाँ पे 16 रूम है, हर रूम में 2-2 बेड लगा के रखा है। 32 लोग रह सकते हैं और साथ में और भी बन रहा है 16 का। हम जहाँ 7 दिन रुके वहीं एक जगह ये दिखाते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये। थोड़ा पीछे से बस ये यहाँ से शुरू वन यम वन अटैच लैट्रिन बाथरूम, ये अटैच बाथरूम के साथ सारा व्यवस्था है। Thank you.
परिसर जहाँ 7 दिन रह के हमने ध्यान किया और यहाँ पे अच्छा खासा उठाया दिखा के यहाँ संक्रमण करने की जगह भी बना के रखा है, अच्छा खासा संक्रमण के बीच में अच्छा अच्छा चार भी लगा के रखा है। तो आइए कुछ बंदे लोग आप लोगों को मिलाते हैं, आइए आप लोगों को एक बार दिखाते हैं। यहाँ है पूजने भिक्षु, ये महावीरो ठेरो। पंडित जी आपका परिचय और थोड़ा सा साधना कैसे रहा वो थोड़ा बताइए। मैं भिक्खु महावीरो बुद्ध विहार कालेगांव तालुका अहमदपुर जिला लातूर से आया हूँ। यहाँ पे 7 दिवसीय सतिपट्ठान शिविर का आयोजन हुआ है। भगवान बुद्ध की बहुत गंभीर ये ध्यान पद्धति है, आशु फलदायिनी, दुख मुक्ति के लिए। आप सभी आइए और दुख मुक्ति की साधना का अभ्यास करें। आपका परिचय और थोड़ा सा आप कहाँ से? मेरा नाम सुमन वंदे जी, महाप्रज्ञा विद्या महाप्रज्ञा बुद्ध विहार दत्तवाड़ी नागपुर, यहाँ से आया हूँ सतीपट्टान शिविर के लिए। इस शिविर में बहुत लाभ हुआ मेरे को और ऐसे भी मैंने 45 दिन के भी किए और सतीपट्टान के लिए आया था, ये भी शिविर अच्छा हुआ। सब सब आप भी सतीपट्ठान विपश्यना करती रही साथ। परिचय दीजिए ताकि सबका आएगा। मी भंते सारीपुत्त अकोला नालंदा बुद्धगया। भिक्खु संघाचं धम्मानुकला विपश्यना सेंटरमध्ये तेल्हारा या ठिकाणी शिबिर होतं। 47 एकूण भिक्खु होते आणि चांगल्या प्रकारे आमचं या ठिकाणी शिबिर झालेलं आहे। पंडितजी आपका? 47 आहे। मी करुणाबोधी विपश्यना बुद्ध विहार भावसिंगपुरा औरंगाबाद। शीलरत्न पूरा नाम बताइए। श्रावस्ती बुद्ध विहार गंडाळा तालुका मेकर बनते शीलरत्न। मी श्रीकीर्ती बनते जी अकोला। आमचं सच्चीपणा शिबिर चांगलं झालेलं आहे। नाम बताते समय भिक्षु और ठेरो है तो ठेरो ऐसा बताते हैं। मी भिक्षु संबोधी अकोला जिल्हा धम्मानाकुल सेंटर वर सतीपट्टांसाठी आलेला आहे। भिक्षु कश्यप महाप्रज्ञा बुद्ध या अमरावती वहाँ से आकर ये शिविर में सम्मिलित हुआ हूँ। बंती मुगलायन अमरावती बोधिसत्व बुद्ध विहार या ठिकाणी सतीपट्टांसाठी आलेलो होतो आणि शिबिर फार चांगल्या प्रकारे पार पडले। मी उमरखेडून आलेलो आहे सतीपट्टान सुद्धा हे माझं 3रा शिबिर आहे। अत्यंत सुंदर असं मला सांगायला आहे। बंते कीर्ती बोधी उमरखेड कीर्ती बोधी। मी भंते सुगतानंद भिक्षु सुगतानंद जेतवन बुद्ध विहार माडा कॉलनी औरंगाबाद इथून आलेलो आहे। मी भिक्षु विप्रसी दीपंकर औरंगाबाद सम्यक बुद्ध विहार इथून। भिक्खु सचित्त बोधी औरंगाबाद या ठिकाणून आलेलो आहे। मी भिक्षु राजरत्न करुणा बुद्ध विहार साखरखेडा तालुका शिंदखेड राज्य जिल्हा बुलढाणा त्या ठिकाणी आलो। आम्हाला या 7 दिवसामध्ये खऱ्या अर्थानं बरंचसं काही दुःखमुक्तीचा मार्ग कळाला असं म्हणायला काही हरकत नाही, सर्वांना कळला पाहिजे असं मला वाटते। मी भिक्षु अनुरुद्ध वंतेजी थेरो औरंगाबाद या ठिकाणी तेलारा या ठिकाणी सतीपठांचं या विपश्यना सेंटरमध्ये भिक्खु संघाचं आयोजन केलं आणि त्या आयोजनामध्ये सतीपठाने या स्वतःचं पठन होऊन या ठिकाणी बराचसा भिक्खु संघाला लाभ झाला, त्यामुळे पुरा भिक्खु संघ या ठिकाणी उपस्थित आहे। साधू साधू साधू। मी भंते मंगलबोधी भिक्षु मंगलबोधी मी भिक्षु मंगलबोधी नागसेन बुद्ध विहार रमानगर छत्रपती संभाजीनगर येथून या जीवनमुक्तीच्या मार्गासाठी सतीपट्ठानासाठी मी या ठिकाणी तेलारा या गावी आलेलो आहे। या ठिकाणी बराचसा भिक्षु संघ आहे आणि सर्व भिक्षु संघाचं एकत्रित साधना झालेली आहे
साधना सर्वांची चांगली झालेली आहे। पूजने भिक्षु संघ को एक जानकारी, जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं भिक्षु करके देना है, पंते एक सम्मान्य रेस्पेक्टेड वर्ड है, इसलिए सम्मान कौन करेगा, दूसरे लोग करेंगे, खुद को सम्मान करके नहीं बोलना, इसलिए पंते करके नहीं, पंते उपासक उपासिका हमें बोलेंगे, हम भिक्षु है तो भिक्षु, श्रामण है तो श्रामण, इस तरह से। हाँ अभी पंते जी आपका परिचय। भिक्षु करुणाशील महाथेरो राहणार मी अमरावतीला, अमरावतीच्या बाजूला खेड आहे, त्या ठिकाणी कवठाबाडी या ठिकाणी राहतो, आणि माझे बरेच शिबिर झाले, आणि या ठिकाणी जे सतीपटांचं शिबिर झालं या खापरखेड्यामध्ये, या ठिकाणी मी 7 दिवसाचं सतीपटन करून मला याचा खूप लाभ झाला। आणि सर्वांना लाभ शिकापना करतो सर्वांना। नमोबुद्धाय। माझं नाव सुमित बोधी आहे, मी औरंगाबादहून सम्राट अशोक बुद्धविहार पोखरी इथून आलेलो आहे। या ठिकाणी सतीपठाण माझं हे दुसरं शिबिर आहे, हे यशस्वी झालेलं आहे आणि दुःख मुक्तीचा मार्ग मला मिळालेला आहे, असा सर्वांना मिळो अशी अपेक्षा करतो। मी भिक्षू आर्य सारीपुत्त स्थवीर नालंदा बुद्धविहार आशागाव पूर्णासे ये तेल्लारा या विपश्यना सेंटर पे आके सतीपठान शिविर में मैंने भाग लिया है, मजा आया। भिक्षु सुदत्त बोधी थेरो औरंगाबाद तेल्हारा येथील हे जे विपश्यना सेंटर आहे हे महाराष्ट्रात अतिशय प्रसिद्ध सेंटर आहे, इथे इगतपुरीसारख्याच सुविधा आहेत, इथे सतीपठ्ठांचं नव्हे 10 दिवसाचे शिबिरही असले तरी अनिरुद्ध थेरोसारखे सिनियर भिक्षू ज्यांचे 60-60 दिवसाचे शिबिर झालेले, सुमनो महाथेरोसारखे ज्यांचे 45-60 दिवसाचे शिबिर झालेले, असे ध्यानमार्गात खूप उंच गेलेले भिक्षूसुद्धा या शिबिरात येतात। आणि या तेल्हारा येथील जे अकोल्यामध्ये अकोल्यापासून 50 ते 60 किलोमीटर अंतरावर हे तेल्हारा नावाचं गाव आहे, खापरखेडा फाट्यावर हे शिबिर आहे, अत्यंत सुंदर असं शिबिर आहे। आणि इथे प्रत्येक वेळेस आम्ही पाहतो की ज्या गंभीररीत्या इथे शिबिर होते इतर सेंटरवर तशी गंभीरता दिसून येत नाही, आणि म्हणून या सतीपठ्ठानच नव्हे 10 दिवसाच्या शिबिरामध्ये सुद्धा प्रत्येकाने यायचं आहे, प्रत्येकाने लाभ घ्यायचा आहे, कारण जीवनमुक्तीचा मार्ग याच्यापेक्षा दुसरा कोणताही नाही, या पृथ्वीच्या पातळीवर कोणता दुसरा नाही। भिक्षू पिंडोल थेरो माजलगाव डिस्ट्रिक्ट बीड, माजलगावहून आलो, ग्रस्ती जीवनातही माझे खूप शिबिर झाले, मी 30 डेज ग्रस्ती जीवनातच केले, आणि इकडे आल्याच्या नंतर कमी शिबिर केले, पण ग्रस्ती जीवनात माझे 27 ते 28 10 डेज होती, आणि सतीपठ्ठान 19 होते, आज ते 20 पूर्ण झाले। ग्रस्ती जीवनामध्ये 18 सेवा होत्या, भिक्षू जीवनामध्ये 2 सेवा दिल्या। भिक्षू संघामध्ये ध्यान करण्याचं एक महत्त्व विशेष असतं, कारण भिक्षू संघाची एक तरंग असते, अनेक तपस्व्यांची तरंग असते, आणि संघामध्ये एक मौका मिळणं मोठं कल्याणकारी आहे। शिबिरमध्ये बार बार शिबिर करण्याला महत्त्व नाही आहे, त्याला गंभीरतापूर्वक समजून लगातार अभ्यास करण्याला महत्त्व आहे। अभ्यास नाही केला तर शिबिर 100 करा, 200 करा, 500 करा, काय महत्त्व नाही आहे, गंभीरतापूर्वक आणि समजून घेतलं पाहिजे। भिक्षु दिट्ठी विशुद्धि मैत्री बोधविहार बालाघाट से मध्य प्रदेश से, और काफ़ी अच्छा सतीपठान शिविर रहा है अकोला का। इससे पहले धम्मकानंद बालाघाट सेंटर में काफ़ी कोर्स हुए हैं, और इससे पहले गृहस्थी में 20 डेज तक शिविर हुए है, तो काफ़ी अच्छा है, विपश्यना सभी को करना चाहिए। मंगल भिक्षु ईश्वरदीप 9 वर्षवास संभाजीनगर इथून या शिबिरासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत शेवटचा या सतीपाठांमध्ये शेवटचा माझी नोंद आहे, म्हणून इथं खूप लाभ झालेला आहे। तर इथली सेवा देणारे आणि हे शिबिर इथले तरंग खूप खूप मानवाला मानवाच्या जीवनामध्ये दुःखातून मुक्त करण्यासारखे आहे। साधू साधू जय पंतजी। नाव
भिक्षु ज्योतिपुत्र आनंद बौद्ध विहार निर्मल नगर अकोला इथून आलेलो आहे. मी या सतीपट्ट्यांच्या शिबिराला धम्मसेवा दिलेली आहे. मी भिक्षु श्रद्धापाल बुद्ध मिश्रला तालुका पात्र जिल्हा अकोला या सत्यपट्टण शिबिरासाठी मी सेवा देण्यासाठी आलो. नमो बुद्धाय. धर्मोपासकी धम्मसेवा काय हां. या आपका नाम? मैं राजेश चंद्रकांत शाह तालुका दर्यापूर जिल्हा अमरावती महाराष्ट्र. मेरा नाम मधुकर डोंगरे जिल्हा अकोला तालुका अकोट. मैं धम्मसेवा करने के लिए यहाँ आता हूँ. मैं मनीष कुमार पैडे फ्रॉम तेलर. ये उपासक कल के भोजन भिक्षु संघ को दान दे रहे. मैं राजेंद्र चांड दरियापुर रहता हूँ. सुशील ताइडे सुभाष अग्रवाल अकोट. तो यहाँ पूजनीय भिक्षु संघ है और भी बहुत सारा है जमाने. यहाँ विष्णुपाल महाथेरो पंडित जी भी है. हाँ, आपका भी नाम थोड़ा शिविर के विषय में थोड़ा बताइए. मैं भिक्षु बी संगपाल. भिक्षु संघात विशेष बुद्धाच्या या विपश्यनेच्या मार्गातून जे तरंग निर्माण करण्याचं काम होते, हे लोककल्याणाचं काम भिक्षु संघाचं आहे. आणि भिक्षु संघाने हे स्वतः रागातून द्वेषातून मोहातून मुक्तता साधत असताना जनकल्याणहीसुद्धा सन्मार्गावर लागला पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करणं हे आपल्या सगळ्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. शिबिर या शिबिरातून होणारे अनेक लाभ अनेक उपासकांनाहीसुद्धा होतात. भिक्षू तर अहोरात्र त्यामध्येच आहे, त्यामुळे त्याला विशेष अधिक लाभ होतात. आपण सगळ्या भिक्षूंनी एक नैतिक जबाबदारी स्वीकारून या शिबिराच्या माध्यमातून जसे राग द्वेष मोह माझे गळून पडतात, तसेच लोकांमध्ये सुद्धा बुद्ध तरंग निर्माण करणं आणि त्यानुसार पुन्हा बुद्धकालीन भारत निर्माण करण्यासाठी असा सम्यक दृढ संकल्प करून आपली नैतिक जबाबदारी आपण पूर्ण करणं हे कर्तव्य राहणार आहे. तो अभी हम ये धम्मा अनाकुल विपश्यना सेंटर में है और ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है ये मेन धम्मा हॉल है. यहाँ पे ध्यान साधना करने के लिए ये स्पेशल हॉल है यहाँ पे. और इसके पीछे ये स्तूपा भी बन रहा है और वहाँ पे शून्यागार कम से कम 104 शून्यागार वहाँ पे बन रहा है. तो ये है, आइए आज करो. अभी यहाँ जो एक खुटी के रूप में वहाँ पे पहला यहाँ पे ध्यान शिविर वहाँ से शुरू हुआ है. तो आइए आप लोगों को वो भी दिखाते हैं. आइए जब बोलने लगता हूँ तो नजदीक थोड़ा पीछे से लेते आइए या आगे जाइए अब ये पुराना जो जगह है वहाँ पे देखने जाएंगे. और यहाँ पे ये सहायक आचार्य भी हमारे साथ में है. आप ये इसके विषय में थोड़ा बताते जाइए. हाँ, तो ये हमारे यहीं एक साधक है उपासक. उन्होंने 5 एकड़ जगह दान में दी थी. अच्छा. उसके पहले हम सब लोग एक सामान पूरा जिप्सी कैंप का तैयार किए थे. हर गांव-गांव में जा जाके जिप्सी कैंप लगाते थे. फिर एक जो पुराने साधक है वो रिटायर्ड साइंटिस्ट थे और उपस्थित साधक थे वो इसी गांव के थे तेल्लारा के. उन्होंने यहाँ आके जगह दान में दे दिया. अच्छा. उन्होंने दान में दिया, उनको प्रेरणा हुई तो फिर यहाँ से शुरू हुआ. अच्छा. तो पहले शुरू में ये झुग्गियाँ बनाई गई थी. तो ये 4 झुग्गियों में एक बीच में की धम्माल होती थी. अच्छा. और एक टीचर का निवास होता था और 2 साधकों के निवास होते थे. अच्छा. तो इस तरीके की ये कुटिया बनाई गई थी. तो इसको आज भी हमने पुरानी याद के रूप में प्रिजर्व किया. हाँ हाँ.
धम्म हाल होती है, धम्म हाल और ये टीचर का निवास होता है। अच्छा पुराना इस तरीके शुरुआत यहाँ से शुरू शुरुआत से सेंटर की ये चार कुटिया बनाई थी मिट्टी की और 5 एकड़ जमीन दान देने से पहले है क्या? नहीं 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 उसी में था क्योंकि अब नया काम तो शुरू करना है तो एकदम तो कहीं से डोनेशन आएगा नहीं। हाँ 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 और अभी ये नया टॉयलेट ब्लॉक बनाया है। अच्छा यहाँ पे इसके लिए ही बनाया था। अच्छा पर फिर बाद में बहुत तेजी से दान आता चला गया और बहुत निर्माण तेजी से हुआ। ये है टॉयलेट लेकिन उधर टॉयलेट बाथरूम उधर भी है टॉयलेट बाथरूम है। ये वो याददाश्त के रूप में पड़ा है स्मृति स्मृति ऐसा शुरू हुआ था सेंटर। ये धम्मा अनाकुल में विपसना यहाँ से शुरू हुआ। हाँ यहाँ से ये धम्मा हाल था धम्मा हाल। हाँ यहाँ पर हाँ ये धम्मा हाल था। हाँ ये धम्मा हाल और इसके सामने हाँ ये आचार्य निवास और ये दो लेफ्ट राइट में दो ये साधकों का। हाँ लेफ्ट एंड राइट में तो उस समय कितने लोग बैठते थे साथ में? 8-8, 16 लोग। 16 लोग 16 आसन लगते थे। हाँ हाँ 8 निवास इसमें 8 बेड 8-8 बेड। और बहुत शुरू शुरू में तो केवल मेल के ही कोर्सेज लगे। अच्छा फिर ये जैसा जैसा सेंटर का निर्माण बढ़ता गया तो फिर मेल फीमेल अलग अलग सिंगल जेंडर कोर्स। और आज इसी व्यवस्था है कि मिक्स कोर्सेज आसानी से चलते हैं। ना दूसरी भी संगी दूसरी ये 5 एकड़ जमीन में। हाँ 5 एकड़ जमीन में डोनेट चाहिए। टीजी सर साधक ही है वो वैज्ञानिक है राजीव गांधी के सलाहकार वो यहीं के मूल निवासी थे। वहाँ आए तो उनको पता चला कि यहाँ पे विपश्यना होती है बहुत बड़ा ग्रुप है वो भी उससे जुड़ गए। फिर उन्होंने अपनी ये खेती दान में दे दी। अच्छा दे दी। तो ये इसको चुगिया बोलते हैं। चुगिया बोलते हैं इसको। हाँ ये चुगिया हो गया। अभी तो स्टोर के रूप में यूज है ना स्टोर का यूज करना है। ये तमाकुल का स्टार्टिंग ऐसे हो गया। ये साधकों का एक कुटी झुकियां बना के इसमें बेड लगे रहते थे 4 इधर से 4 उधर से 8 बेड लगा के 8 साधकों के लिए और ऐसे 2 झुकियां और बीच में धम्महल और एक आचार्य निवास इस तरह से आचार्य निवास। हाँ ये साधक की करते थे। अभी बड़ा होने के बाद भी इसको जैसे वैसे रखा है क्योंकि इसका मतलब मेमोरी रहे इस तरह से यहाँ पे एवडा छान आता बनू साधी साधा होता अभी यहाँ काम भी शुरू है। बहुत सारे सामान भी पड़ा है स्पेशली ये स्टूपा का काम बहुत जोरों शोरों से चालू है। 104 साधकों के लिए। हाँ 104 तो मैंने 72 लोग नीचे है और 32 ऊपर है। हाँ 72 लोग नीचे और 32 ऊपर मैंने 104 साधक बैठे। सॉरी 1-2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा। हाँ 1 साल लगेगा 1 साल 2 साल के लिए और हम भी शून्यगार में गए तो यहीं से शून्यगार में जाके हम ध्यान रहे ये नए निवास और नए निवास भी यहाँ बन रहे हैं। उसी के साथ साथ हाँ बंदे जी पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है बंदे ज्ञानोदय। ये लेडी साधा जी का टाइटल मुझे दिया गया है। अच्छा मेरी उम्र है 91 ईयर्स। ओके और बस फिर भी मैं तंदुरुस्त हूँ अकेला जगत भर में घूमता हूँ समुद्रेशन करता हूँ। पूर्वाश्रम में मैं न्यूक्लियस आर्टिस्ट था और होम्योपैथिक डॉक्टर था। ओके अब सब कुछ छोड़ना पड़ा और इस मार्ग में आया हूँ।
बहुत संतोष है और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं धर्म के। बस धर्म का पालन अगर हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इस हालत पर मैं अकेला जगत भर में घूमता हूँ। ये धम्मा अनुकूल विपश्यना सेंटर अभी जहाँ हम है, इसके विषय में थोड़ा बताइए ना, कैसे माहौल तैयार हो गया, कैसे सेंटर बन गया? ये जो केंद्र है धम्मा अनुकूल, यहाँ पर उपक्रम बहुत अच्छे चलते रहते हैं, लगातार शिविरों के ऊपर शिविर होते हैं। इवन कोविड के दरमियान भी इन्होंने बाहर में जिप्सी कैंप लगा के बहुत काम किया है। और फिलहाल यहाँ पर मैं, इतनी ये वाइब्रेंट जगह है कि यहाँ पर आते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंट्यूशन से मुझे बताना मेरे मुंह से निकल गया कि यहाँ पगड़ा होना चाहिए। अच्छा। इस बात को मोहनलाल अग्रवाल जी ने पकड़ करके इसका निर्माण शुरू किया है। अब हम उसी के अंदर, हम लोग अभी पूरा न होने पर भी हम लोग तीन बार यहाँ पर में हमने साधना की है। अच्छा। तीन शिविर वहाँ पर में, और बहुत यहाँ हम लगातार जो लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं। बहुत पुराना तो नहीं है फिर भी बहुत मशहूर है, और हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रकार होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।